एक कहानी सुनोगे? सुन, टच मत कर, अप्सरा जाग जाएगी। 10 साल का बच्चा हो गया और कितनी सेल्फीज लोगे? चल तेरी अप्सरा के साथ सेल्फी लेते हैं। देखो, मुझ पे किसी ने जादू किया है। मुझे वो गिफ्ट लाके दो जो मुझे आजाद कर दे। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आगे मत आना। ऐसे नहीं मानोगे। ये सब तेरी वजह से हुआ। तुझे क्या सीखती उसको टच करने की? मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा? तुझे पता था क्या? गाइस, तुम लोग फाइट करना बंद करो यार। अब ये सोचो कि अप्सरा के लिए कौन सी गिफ्ट लेनी है। क्या खातिर करें आपकी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बस एक गिफ्ट ही तो लेना है, इतना क्या मुश्किल हो सकता है? अच्छा, तो तू ही बता ना कि एक अप्सरा के लिए बेस्ट गिफ्ट कौन सा हो सकता है। चलो मेरे साथ। अप्सरा के अफसाने से वाकिफ लालगंज के बुजुर्गों ने इन बच्चों का किस्सा सुना। और भेजा इन्हें काणे राजा के पास, जिसने कहा कि उपाय मिलेगा सिर्फ दूध की नदी के उस पार। जहां एक फकीर रहता है सांप सीढ़ी की ऊंचाई पर, और फिर ये मुझ तक पहुंच गए। एक कहानी सुनोगे? एक बहुत ही खूबसूरत महारानी थी। और उससे भी खूबसूरत थी एक अप्सरा, शमा था उसका नाम, जिसके आते ही दिए जलने लगते थे। काणे राजा की एक गलती की वजह से महारानी ने उस पर काला जादू कर दिया और उसे एक पत्थर की मूरत बना दिया, और इस रोशन नगरी को हमेशा के लिए अंधेर नगरी बना दिया। सिर्फ एक तोड़ है, ड्रैगन टीयर्स। इससे अप्सरा की प्यास बुझेगी और तुम लोग मुक्त हो जाओगे, और ये अंधेर नगरी की रोशनी भी लौटा सकते हैं। फैसला तुम्हारा है। बाबा, क्या ये हमारे लिए कभी नहीं जलेंगे? गाइस, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर हमारा क्या होगा यार? He's right. देखा? नहीं, विराट इज राइट। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? I hate you guys. इसको मैजिक दिखाते हैं। Thank you.
फॉलो मी। वाह, सबको खुश कर दिया, पर मेरा गिफ्ट? मैं बताता हूं, ये सेल्फी है। ये बेस्ट गिफ्ट है। OPPO F3 सेल्फी एक्सपर्ट, योर बेस्ट दिवाली गिफ्ट। OPPO, selfie expert and leader.